हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये स्ट्रॉबेरी मेकअप लुक। एंड एज यू कैन सी, इट लुक सो फ्लॉलेस एंड इट इज़ सुपर इजी टू क्रिएट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो एज यू कैन सी, मैंने अपने फेस को बिल्कुल मॉइस्चराइज और रेडी कर लिया है एंड आई एम ऑल ड्रेस्ड इन पिंक। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज hide the imperfection. So here I am using a darker concealer. So I am going to blend it really well और जहाँ जहाँ पर required है वहाँ वहाँ पर I am going to apply it generously and उसके बाद हम इसको अच्छे से करेंगे blend with a buffing brush. मैंने use किया small buffing brush जिससे अच्छे से concealer blend हो जाएगा and then I am going to apply it more on the spots जहाँ पर मुझे लगेगा कि yes मेरे pimples या red dots दिख रहे हैं। फिर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ अ फाउंडेशन, बहुत लाइट फाउंडेशन, बहुत कम कवरेज चाहिए मुझे बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी मिनिमल एंड नेचुरल। तो आप देख सकते हो कि मैं डॉटेड मोशन में इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक एज वेल। तो हम जल्दी से इसको ब्लेंड करेंगे विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। सो नाउ यू कैन सी, एक बहुत ही इवन सी पतली सी लेयर फाउंडेशन की क्रिएट होगी हमारे फेस पे। फिर मैं यूज़ करी हूँ एक कंसीलर, दैट इज़ अ ब्राइटनिंग लाइट कंसीलर अंडर माय आईज़। और आप देख सकते हो उससे मेरा फेस और भी ज़्यादा ग्लो करेगा और हाईलाइट करेगा। सो वी आर गोइंग टू क्विकली ब्लेंड दिस एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ माई फेवरेट वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक और इसको एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉबेरी मेकअप लुक। तो एज यू कैन सी, मैं बहुत जेनरस अमाउंट लगा रही हूँ। आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई नोज एज वेल। देन मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड इसमें हमने कंजूसी नहीं करनी। सिंस इट इज़ अ स्ट्रॉबेरी मेकअप, आई हैव टू बी एज रेड और एज पिंक एज पॉसिबल। एंड यू कैन सी आई एक्चुअली डोंट अप्लाई मच ब्लश, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे हमेशा से ये टाइप ऑफ ब्लश लगाना था वेयर आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस लाइक अ सन किस्ड लुक। सो आई वॉज रियली एन्जॉइंग इट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ लूज पाउडर बिकॉज हम ज़्यादा सेट नहीं करेंगे, नहीं तो उसका ग्लॉसीनेस ड्यूइनेस ख़त्म हो जाएगा। एंड सिंस मुझे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए था अपने अंडर आइज में, तो मैंने थोड़ा सा और पाउडर लगा लिया और अराउंड माई माउथ एज वेल। और अब मैं लगा रही हूँ मेरा फेवरेट पार्ट एंड आई एम नॉट डूइंग एनी यू नो हैवी काइंड ऑफ मेकअप ऑन माई आईज। सो मैंने अपने इनर कॉर्नर्स में लगाया है हाइलाइटर और लास्ट में मैं लगा रही हूँ मस्कारा। दिस इज़ माय फेवरेट मस्कारा टिल डेट और आप देख सकते हो व्हाट एन इंस्टेंट डिफरेंस इट मेक्स। सो गाइज, अब आती है फ्रेकल्स बनाने की बारी और मैंने बहुत लोगों को डिफरेंट डिफरेंट हैक्स करते हुए देखा है, बट ये मैंने एक जगह देखा था और मुझे लगता है बहुत अच्छा होने वाला है। सो ऑल आई यूज इज़ अ यू नो जेल आईलाइनर इन द शेड ब्राउन और मैंने इसको एक पतले से पॉइंटी ब्रश से लगा लिया डैब डैब करके और कुछ कुछ यू नो बड़े स्पॉट्स बन गए, कुछ कुछ छोटे, बट दैट इज़ टोटली फाइन। फ्रेकल्स आर नॉट सपोज टू बी यू नो इवन। अगर आपके पास इससे भी टाइनी ब्रश हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो मैंने बाकी का जो फ्रेकल्स बनाए थे उसको थोड़ा बहुत डैब किया और उसके ऊपर और ब्लश लगाया ताकि इट सीम्स लाइक विद इन ग्लो है, लाइक द फ्रेकल्स आर कमिंग फ्रॉम विद इन द स्किन। सो या, दिस इज़ वेरी सिंपल हैक, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस एंड आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस ट्यूटोरियल और कुछ नया सीखने को मिला हो आपको। सो फॉर द लिप्स आई एम गोइंग विद द सेम ब्लश एंड जो मैंने अपने यू नो गालों पे लगाया है उसको मैं थोड़ा सा अपने लिप्स पे लगा रही हूँ। उसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी फेवरेट अगेन जिससे मैंने क्रीम ब्लश लगाया था फ्रॉम माय वेट एंड वाइल्ड लिपस्टिक, उसको बहुत थोड़ा सा लगा रही हूँ। उसको मैं थोड़ा सा यू नो हाथ से ब्लेंड करूँगी ताकि इट गिव्स मी अ मोर नेचुरल लुक। एक्सेसिव निकालूंगी और यू नो अपने लिप्स को थोड़ा सा साफ किया जहाँ से एक्स्ट्रा लिपस्टिक बाहर निकल रही थी। एंड लास्टली इज़ माई फेवरेट, दिस इज़ अप्लाइंग लाइक आई एम अप्लाइंग अ वेरी नाइस पिंक कलर लिप ग्लॉस एंड यू कैन सी हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट मेक्स। आप देख सकते हो कितना ग्लोई ग्लॉसी लिप्स लग रहे हैं और पूरी लुक कितने अच्छे से बन के आई है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप यू गाइज लाइक इट एंड लेट मी शो यू अ क्विक ट्रांजिशन बिकॉज आई हैड सम वेरी कूल इयर रिंग्स दैट आई गॉट एंड या दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट and stay tuned for more such makeup tutorials and don't forget to like, comment, subscribe and share to my YouTube channel and yeah, do let me know aapko ye look kaisa laga. Bye bye.